तुझे देखते दिल ने मुझे मिल गई है। तो दोस्तों आज मैं और एक स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। तो ये जो सॉन्ग है ये सॉन्ग हिंदी ओल्ड सॉन्ग है, तो फिर भी मैंने पहले देख लिया। तो दोस्तों इसके साथ साथ लिरिक्स भी है और बहुत सिंपल होने वाला, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे आगे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे खराब लगे एक कमेंट भी कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंजी जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूं। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने के बाद देखो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद ये सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करना नहीं आता तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में आ जाना। तो इस प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो जो रेक्टेंगल है देखो यहाँ पर, और जो सर्कल लेयर है ये लेयर को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। देखो रेक्टेंगल में कुछ इस तरह कोई इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, और जो सर्कल है इसमें भी इफेक्ट है। तो यहाँ पर जितने सारे लेयर है ये लेयर को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो जो लेयर है ये लेयर में जो इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना, सबसे पहले जो फर्स्ट बीट है फर्स्ट बीट में आना है, और फर्स्ट बीट में आने के बाद जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो को ऐड करने के बाद ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरो को टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो अभी क्या करना है देखो एकदम लास्ट में आना होगा, लास्ट में आने के बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, तो फोटो का जो लेयर है एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा और जो सॉन्ग है उसके ऊपर रखना होगा नीचे। देखो तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा फोटो में। तो देखो ऐसे करके फोटो को ऐड कर लेना, और फोटो ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जो सॉन्ग लिरिक्स है वो लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए देखो जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको सॉन्ग लिरिक्स लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए सॉन्ग को सबसे पहले प्ले करके सुनना होगा, तो सॉन्ग को प्ले करके पहले सुन लेना। तो सॉन्ग को सुनने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो सबसे पहले लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ पर जो क्लास ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, डबल ए टेक्स्ट में आना होगा, और डबल ए टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ से सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना। तो मेरा पहले से लिखा है उधर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। तो देखो ये जो लिरिक्स है ये लिरिक्स आपको टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, उधर से कॉपी करके नोटपैड ऐप में पेस्ट कर लेना। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों उधर से कॉपी कर लेना और एलाइट मोशन में आ जाना। एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देखो सबसे यहाँ पर जो एक ऑप्शन है ये ऑप्शन को एक बार टच करना है यहाँ पर, देखो तो मिडिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो लिखा है वो मिडिल हो जाएगा, और ये जो डॉट है देखो ग्रीन डॉट इसको थोड़ा ऐसे करके बढ़ा देना। और यहाँ पर देखो रोबोट रेगुलर जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और ये जो फोन है ये फोन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना और ये फोन को सिलेक्ट कर लेना। तो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अभी क्या करना है, देखो यहाँ पर जो अल्ट्रापिटी ऑप्शन है ये ऑप्शन से ये साइज को आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, तो मैं इतना ही रख देता हूँ देखो अल्ट्रापिटी। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना है, और देखो यहाँ पर जो लिरिक्स लेयर है वो बहुत छोटा पड़ गया, ये बीट तक नहीं आ रहा है। तो क्या करना होगा, ये जो बीट है ये बीट में आ जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देखो हमारा जो लिरिक्स लेयर है वो बीट तक
आ चुका है, नहीं तो ये जो लेयर है ये लेयर को एकदम लास्ट में ले आना, और लास्ट में नहीं होती जो ऑप्शन है पर टच कर देना, और फिर से ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से करके मिडिल कट कर लेना। और मिडिल कट करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो हमारे जो फर्स्ट जो लिरिक्स है वो तो ऐड हो चुका है, तो सेकंड लिरिक्स ऐड करने वाला हूँ, तो उसके लिए सॉन्ग को फिर से प्ले करके सुन लेना। देखो तो सॉन्ग को सुनने के बाद ये जो लिरिक्स लेयर है ये लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना और इसको पहले हटा देना, और हटाने के बाद फिर से नोटपैड ऐप में आना और सेकंड जो लाइन है उसको कॉपी कर लेना और फिर से अलाइट मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, एक बार टिक ऑप्शन को टिक करना है, तो ऐसे करके सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना एकदम एंड तक, आप लोग सॉन्ग को प्ले करके करके सुन लेना। और सॉन्ग लिरिक्स लिखना हो जाने के बाद ये जो बीट है ये बीट में आना है, और ये बीट में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इमोजी ऐड करना है, तो देखो प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया सॉरी डबल टेक्स्ट में आना है और इधर से इमोजी को ऐड कर लेना है अपने पसंद की। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए मैं कुछ इमोजी ऐड कर लिया हूँ, तो इमोजी ऐड करने के बाद देखो इमोजी ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच करना होगा तो मिडिल में हो जाएगा, और यहाँ पर जो बॉक्स यहाँ पर टच करना है मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट करना है, और ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पर जो रैपिड ऑप्शन है इधर से इसका जो साइज है वो बढ़ा सकते हो, तो मैं पिंडी पिटी कर दिया हूँ। देखो तो दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना है, मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना और नीचे इमोजी लेयर को रखना है, और रखने के बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में आना है, लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और ये जो इमोजी लेयर है देखो इमोजी लेयर को टच करना, बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन में आना है, और नीचे जो शेडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसका जो शेडो है वो ऑन कर लेना, और ये जो साइज है साइज को अपने हिसाब से रखना है, तो मैं इतना कर देता हूँ। देखो तो अब क्या करना है, हमारा यहाँ पर जो मेन फोटो है इसमें इफेक्ट देंगे, तो दोस्तों इसमें इफेक्ट देने के लिए क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आना है, तो इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको फोटो लेयर देखने को मिल जाएगा, तो ये जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, थ्री डॉट टच करके कॉपी इफेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना, और ये जो फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, तो देख सकते हो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो जो सेचुरेशन जो इफेक्ट है, देखो यहाँ पर इसको सबसे ऊपर देखो यहाँ पर जो इफेक्ट है सेचुरेशन, तो इसको मैं बंद करके रखा हूँ, तो इसको खोलना है आपको, तो यहाँ पर देखो आई में जो कर्सर लगा हुआ है उसको हटा देना, तो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना है, सबसे पहले देखो ये जो लिरिक्स है इसमें इफेक्ट देना होगा, तो लिरिक्स में इफेक्ट देने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना, तो इसमें आने के बाद यहाँ पर मेरा नाम का जो लेयर है ये लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, उसके बाद दोस्तों फिर से बैक हो जाना और सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना, और यहाँ पर जितने सारे आप लिरिक्स ऐड करोगे सभी लेयर में ये इफेक्ट को पेस्ट करना है, तो ये जो लिरिक्स लेयर है ये लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट करना है, तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको लिरिक्स में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे करके लिरिक्स में इफेक्ट को दे देना। और इफेक्ट देना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो आपको एकदम फर्स्ट में आना है, और फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर एक पीएनजी बॉर्डर को ऐड करना है, तो पीएनजी बॉर्डर को ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ये जो पीएनजी बॉर्डर है ये पीएनजी बॉर्डर को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और ये जो पीएनजी बॉर्डर है इसको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन में आना है, नीचे जो शेडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके शेडो को ऑन कर लेना, और ये जो साइज है साइज आप बढ़ा सकते हो और नहीं तो ऐसे ही रहने देना, और एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट बीट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे करके आप स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।